कन्नप्पा मट्टूर हमारे कैंडिडेट हैं, मेरे हिसाब से तो वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है कर्नाटक में, ठीक है ना। तो उनको और वो बहुत कुछ जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो अभी बता रहे थे अंदर। हर एक स्कूल को तीन तीन बार गए, हर एक स्कूल में 40 तालुक आते होंगे, 40 तालुक में हर एक स्कूल को गए, हर एक स्कूल को एक दो बार तो दो तीन बार तो विजिट करे हुए हैं। उतना कमिटमेंट है, उतना ये है, ऐसे लोगों को हम 100% जिता कर, और ऐसे लोग हमको हमारे काउंसिल में चाहिए। ये सब तरफ देखे बहुत ये बारिश के वजह से बहुत कुछ नुकसान हो गया है, और खास करके किसानों का, गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो गया, और आगे भी पेड़ सत्ते क्या नहीं वैसा हो गया, उतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इसके लिए सब तरफ जाके देख कर आए हम आज। अब तो इस जो तहसीलदार है और हमारे डीसी को जल्दी बात कर ले, बात करके उनको भी जल्दी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करो बोलते हैं। और फिर दो दिन पहले फिर हो गया है, फिर अभी एक 4-5 दिन वेट करके बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह सब खराब हो गए हैं अभी फिर। लेकिन फिक्र करने की बात क्या है बोले तो, और बारिश आने की संभावना है, बहुत सारा बहुत संभावना है ना। वेदर रिपोर्ट भी जो बोल रहा है अभी फिर 2-3 दिन में बारिश आएगा बोल के, 2 दिन लगातार होगा बोल के बोले, देखेंगे क्या होता है। तो इसके लिए वो 4-5 दिन वेट करने के बाद फिर एक्शन लेगा सर। लोकसभा बाई इलेक्शन देखिए अभी को उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी हाल ही हमारे जनप्रिय शासक का ये हुआ है, तो उसके बारे में हम कौन सोचे भी नहीं, कौन बोले भी नहीं है। तो अभी इलेक्शन वगैरह डिक्लेयर होने दीजिए, फिर बाद में हाईकमान वगैरह डिसाइड करते हैं, हमारे लोकल लीडर वगैरह डिसाइड करते हैं, फिर देखेंगे कौन कैंडिडेट बनता है। 100% देना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता ना, देना ही चाहिए। इतना नुकसान हुआ है, फिर उसके बाद में फिर नहीं दिया तो फिर क्या खाएंगे लोग। तो देना चाहिए, 100% देना चाहिए सर। एकर के एस्ट 1000 रुपये अनुदान 50000 ಕೊಡ್ಲಿ 50000 50000 पर एकर ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ। ಈ ತರೀಕೆ ಸೇ ಸೋಚನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन दोनों मिलकर सोचकर क्या करना है, क्योंकि ऐसा होता है हर बार हो रहा है, एक बार बारिश ज़्यादा होता है, एक बार बारिश कम होता है, तो दोनों में भी किसानों का ही नुकसान होता है। तो इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है, सोचकर। और ये सिर्फ तुम कर्ज माफ़ करो, उससे होने वाला काम नहीं है। इसके बारे में गंभीरता से सोच कर क्या एक